दोस्तों ये है एरोमा की तरफ से आने वाली एरोमा NB119 नेक बैंड, जिसे मैंने फ्लिपकार्ट से 380 रुपए में खरीदा था। सो मैं इसकी वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन इसे यूज करने के बाद मुझे लगा कि इसका वीडियो बनाना चाहिए। सो आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की मिल जाती है। यहाँ राइट साइड पर आपको 3 बटन्स दिख रहे होंगे, बीच में आपको पावर बटन मिल जाता है और वॉल्यूम रॉकर्स बटन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको माइक्रोफोन का पोर्ट दिया गया है और यहाँ से आप इसे चार्ज कर पाएंगे। और इस साइड आपको सिर्फ यहाँ पर आपको ब्रांडिंग दिख जाती है। मैं इसे 4 महीने से यूज कर रहा हूँ तो इसका कलर थोड़ा फेड हो चुका है और इसकी क्वालिटी आपको प्लास्टिक की मिल जाती है। सो प्राइस के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। इसमें जो प्लास्टिक मटेरियल यूज किया है वो काफी अच्छा है। सो बॉक्स में आपको ईयरफोन के सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको चार्जिंग वायर भी नहीं मिलता और एक्स्ट्रा टिप्स भी आपको इसमें नहीं मिलेगी। लेकिन इसके प्राइस के हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी एंड कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। अगर स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको 12mm के डायनेमिक ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं और इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी मिल जाती है। और ये नेक बैंड आपको स्प्लैश प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ मिल जाता है। इसे मैंने मॉनसून के टाइम खरीदा था, तो 3 से 4 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं और ये 3 से 4 बार भीग भी चुका है, फिर भी इस नेक बैंड को कुछ नहीं हुआ। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं हाईवे पर जा रहा था तो मैं भूल गया था कि मैंने इसे नेक में पहना हुआ है, तो ये हाईवे पर गिर गया था और मुझे लगा कि ये टूट चुका होगा, लेकिन इसे कुछ भी नहीं हुआ था। अगर साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें, मिड टोन्स एंड हाई टोन्स काफी बढ़िया मिल जाते हैं, लेकिन इसमें आपको डीप बेस इतना ज्यादा नहीं मिलता। बैटरी के बारे में बात करूं तो मैं इसे रोज 1.5 से 2 घंटे यूज करता हूं, क्योंकि मैं हर रोज 1.5 से 2 घंटे लेक्चर्स लिखता हूं, क्योंकि मैं आफ्टर इफेक्ट्स एंड प्रीमियर प्रो सीख रहा हूं और ये मुझे 4 से 5 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है, यानी कि आपको इसमें 7 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अगर आप डेली यूज करते हैं और आपका इतना ज्यादा यूज नहीं है तो आपको आराम से 15 से 16 दिन ये चल जाएगा। सो अगर आपका बजट 400 से 500 रुपए है तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। मैंने अमेजोन पर देखा लेकिन ये अवेलेबल नहीं था, दूसरे मॉडल अवेलेबल है। सो अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो मैंने फ्लिपकार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जरूर चेकआउट कीजिए। सो प्राइस के हिसाब से ये मुझे काफी अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर आपका वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो अगर आप एक 10,000 के बजट में अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए, और अगर आप एक बजट स्मार्ट वॉच के बारे में जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।